होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमें पता चीज़, और जिसमें ए और बी जो हैं ये जीरो नहीं हो सकते, एक रियल नंबर ही होते हैं। अगर इसमें हमें दो इक्वेशन दी होंगी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसमें हम ए टू ले लेते हैं, मतलब सी टू वन वन वन, हमने ऊपर वाले को ए वन लिया और नीचे वाले को बी टू लिया है हमने। नेक्स्ट हम करेंगे कि अगर हमारा कंपेयर इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद, अगर जो हमें इक्वेशन दी होगी, सपोज हमें इक्वेशन दी गिवन है 4x+9y+ Hey there. 9 इज इक्वल टू जीरो to my channel. और 8x+9y+10 इज इक्वल टू, यहाँ 20 या 10, ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन है। इसमें ए जो होगा, ये जो एक्स का कोफिशियंट होगा वो होगा ए वन, मतलब ये ए वन होगा जो ऊपर वाली इक्वेशन में, और जो वाई का कोफिशियंट होगा वो होगा बी वन, और ये जो सी का कोफिशियंट होगा, इसका कोफिशियंट वन ही होगा हमेशा, इसको कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा, सी रहेगा। इसको हम ए कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं, और इसको हम सी कहते हैं, और इसी एज कम सिमिलरली इसको ए टू, इसको बी टू, और इसको सी टू कहते हैं। और अगर सॉल्व करने पर हमारा ए वन अपॉन ए टू जो होगा, ये ऐसे ही आएगा हमें सॉल्व करने पर, ए वन अपॉन में ए टू जो है वो इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अगर ये इसके इक्वल नहीं आएगा, तो अगर ये हमारा ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो अगर ये इसके इक्वल नहीं आएगा, तो जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जो इसके पॉइंट्स आएंगे जब हम इसको प्लॉट करेंगे, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। अगर ए वन इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, और ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, देन जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा। और एज आपको पता है कि इसका कटिंग पॉइंट कितना होगा, सिर्फ एक ग्राफ बनेगा, ये बनेगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ, और इसके आपको पता ही लगेगा इंटरसेक्शन का पॉइंट कितना है, एक पॉइंट है। तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन जो है वो बनेगा। अगर ये तो हो गया हमारा, ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। और अगर हमारा जो है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू एंड इज ऑल्सो इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, इसको थोड़ा देखना ध्यान से। इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू एंड इट ऑल्सो इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, देन द ग्राफ विल बी रिप्रेजेंट, ये मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर रहा हूँ, देख लो, एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन, तो ग्राफ बनेगा, ये बनता है कोइंसिडेंट ग्राफ, कोइंसिडेंट डेंट, आपको नाम से पता लग रहा है, लाइन के ऊपर लाइन बनेगी, और इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट मैनी, इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आएंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और हमारे लिए इसको इसी मतलब चैप्टर में थर्ड कंडीशन वो है ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू, बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, देन ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जरा देखना, ऐसे एक लाइन इधर होगी और एक लाइन इधर, मतलब कि पैरेलल लाइंस का ग्राफ जो है वो बनेगा। और अगर पैरेलल लाइंस है, कोई लाइन मीट नहीं कर रही, इस कंडीशन में भी लाइन मीट करी थी, पॉइंट कटिंग पॉइंट आए थे कितने मर्जी आए थे, इसमें एक कटिंग पॉइंट आया था, इसमें इन्होंने तो कट करना ही नहीं है, कहीं पर भी कोई कटिंग का पॉइंट नहीं है। सो इस कंडीशन को हम, इस कंडीशन में क्या आता है, जो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं नो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो चीज़ है, नो नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
ये तो हो गया हमारा ग्राफिकली मेथड, ये ग्राफिकल मेथड है। सेकंड वन, इट इज एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। और इस एल्जेब्रिक मेथड को निकालने के कितने मेथड होते हैं? तीन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन, एक मैंने इस क्वेश्चन में आपको अभी ये नहीं बताया कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अगर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू देन इंटरसेक्टिंग, अगर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू बी सी वन अपॉन सी टू देन ग्राफ इज कोइंसिडेंट, और अगर a1 वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू देन ग्राफ इज पैरेलल लाइन। और इसमें सॉल्यूशंस कितने होते हैं? वन, इसमें इन्फिनिटी, इसमें नो सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन दैट वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और इस एलिमिनेशन मेथड को हम इक्वलाइजिंग कोफिशियंट मेथड भी कहते हैं। इनसे हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, जो पेयर गिवन होगा हमें लीनियर इक्वेशन का उसकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे। इससे भी वही होगा, इससे भी वही होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सा मेथड लगाना है आपको और क्या सॉल्व करना है। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है, ये पार्ट टू कंप्लीट हो गया और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 3.1 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।